Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will study about the name reactions of haloalkanes and halogens. That is the chapter 1. Okay, आपको पता है आपके term 1 exams बहुत पास हैं, तो हमें organized way में study करनी होगी so that we can score more and more marks. तो इसके लिए मैंने prepare की है एक strategy. मैं दो chapters आपके organic chemistry के term 1 में आ रहे हैं, including biomolecules, there would be the 3 chapters. तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में नेम रिएक्शन है मेनली, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इनसे 2 और 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके सिलेबस में, आपके पेपर में, तो आप ये जरूर कर लें. अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स में नेम रिएक्शन कौन कौन सी है. तो देखिये नेम रिएक्शन कुल टोटल 7 है. सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. इन रिएक्शंस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शंस हैं और क्या आपने वो सारी रिएक्शंस लर्न की हैं या नहीं. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कर लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. देखिए सैंडमेयर रिएक्शन का यूज होता है हेलोएल्केन्स या हेलोएरेन्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं. अब इसका रिएजेंट क्या होता है, देखिए बेंजीन पर अगर NH2 लगा हो तो उसे कहते हैं एनिलीन. तो यहां एनिलीन की रिएक्शन अगर हम सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस, सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में HX के साथ कराएं, ठीक है, और टेम्परेचर हमें रखना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर आप कह सकते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, ये टेम्परेचर मेंटेन करना है सोडियम नाइट्राइट और HX की प्रेजेंट में. X कुछ भी हो सकता है यहां पर, बेसिकली Cl और Br होगा. ठीक है, तो यहां पर हमें बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हमें मिलता है N2Cl. दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट. आई रिपीट दिस रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन का यूज किया जाता है हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स बनाने के लिए. ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के लिए, दोनों के लिए इसका यूज कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग रिएजेंट जो हमें लेना है वो एनिलीन लेना है. सोडियम नाइट्राइट और HX की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम यहां कुछ भी ले सकते हैं. टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन, कुछ भी आप लिख सकते हैं. तो आपको मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट. तो यहां पर क्या होता है, N2Cl आ जाता है, ये ग्रुप आ जाता है. अब इसकी रिएक्शन आपको करानी होती है Cu2X2 से. अब X क्या है यहां पर, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, जो भी आप लोगे. सपोज आपको कहा जाए कि कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन या कन्वर्ट द एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, तो आप यहां पर एज पर योर रिक्वायरमेंट ये रिएजेंट आपको लेना है. तो यहां पर आपके पास बन जाएगा बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, जो भी आपने यहां लिया है, अगर क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन. यहां पर मैंने एक्स लिया है तो मैंने एक्स यहां लिख दिया है. तो हम इसे क्या कहेंगे, हेलोएरीन. क्या कहेंगे, हेलोएरीन. तो इस तरह से हमारे पास एनिलीन से बन जाता है हेलोएरीन. तो इस तरह से हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन के लिए सैंडमेयर रिएक्शन का यूज किया जाता है. तो फर्स्ट नेम रिएक्शन ये हुई जो आपको याद रखनी है. इसकी टर्म एंड कंडीशंस है सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप Cu2X2 से कराएंगे तो आपको हेलो एरेन्स मिलेंगे. तो ये नेम रिएक्शन हुई सबसे पहली. होप कि आपकी समझ में आ गया होगा. सेकेंड नंबर पे जो हमने रिएक्शन इसी चैप्टर की जो यहां पर मेंशन की थी उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन. इस फिंकलस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में देखिए अगर आपके पास RX है और ये NaI से रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये क्या है, ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड ही है. यहां पर X यहां पर Na के साथ आ जाएगा और I X के प्लेस पर आ जाएगा, तो यू विल गेट RI प्लस NaX. यहां पर X क्या हो सकता है, यहां X हो सकता है क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड. तो अगर आपको बेसिकली क्लोराइड और ब्रोमाइड हटा करके फ्लोराइड लाना, सॉरी आयोडाइड लाना है, तो
तो आपको फिंगलस्टीन रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो NaI का I जो है वो X को डिस्प्लेस करके खुद यहां पर आ जाता है और बनेगा आपके पास RI, दैट इज एल्काइल आयोडाइड। तो इस तरह से फिंगलस्टीन रिएक्शन आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें करना है, RX plus NaI in presence of acetone, then you will get RI plus NaX, ठीक है? ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर की रिएक्शन पे, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए जिस तरह से फिंगलस्टीन रिएक्शन का हमने यूज किया हैलोजन एक्सचेंज मेथड के लिए, बेसिकली सेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन की, हैलोजन एक्सचेंज करना है यहाँ पे आपको। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास आर एक्स है और आपको यहाँ पे X सपोज कीजिए या तो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। अब आपसे कहा जा रहा है, आप मान लीजिए क्लोरो एल्केन है आपके पास, आपसे कहा जा रहा है फ्लोरो एल्केन बनाइए। तो फ्लोरो एल्केन आप कैसे बनाएं, तो उसकी रिएक्शन आप AgF से करा दें, सिल्वर फ्लोराइड से करा दें या मर्करी फ्लोराइड से करा दें आप, तो उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन इसको एक्सचेंज कर देगा, यानी कि RF plus AgX बन जाएगा आपका, ठीक है? तो यहां पर X यानी हैलाइड जो क्लोराइड और ब्रोमाइड था, दैट इज एक्सचेंज्ड बाय द फ्लोरो ग्रुप, देन यू विल गेट फ्लोरो एल्केन, राइट? तो यहां हमें समझना है स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन का यूज कैसे करना है। फिंकलस्टीन में आपको क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप का एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्लोरो एल्केन बनाना है तब आपको स्वार्ट्स रिएक्शन लेनी होगी, और स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प से आप एल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हो या फ्लोरो एल्केन्स बना सकते हो। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन, फोर्थ नंबर पे आ जाती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखिए आपने 11th में भी पढ़ा है वुड्स रिएक्शन क्या होती है, बहुत सिंपल है और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है वुड्स रिएक्शन से आ चुका है अब तक। तो देखिए कैसे वुड्स रिएक्शन को हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास आर एक्स है तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ड्राई इथर की प्रेजेंस में देखिए एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देन यू विल गेट द हायर एल्केन्स। तो रिएक्शन कैसे होगी, यू हैव टू टेक टू आर एक्स टू एन ए, देन टू एक्स एंड टू एन ए विल कंबाइन टूगेदर, दे विल फॉर्म टू एन एक्स एंड देन यू विल गेट टू आर, टू आर लेफ्ट हियर, दे विल गेट अटैच विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म हायर एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ये जनरल रिएक्शन थी, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज यू हैव सी एच थ्री सी एल प्लस ट्वाइस एन ए, देन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर हियर टू एन ए सी एल विल गेट रिलीज्ड एंड हियर वुड बी टू ग्रुप्स ऑफ मिथाइल, देन दे विल गेट अटैच लाइक दिस सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री एंड देन यू विल गेट टू एन ए सी एल, टू एन ए सी एल। सो फ्रॉम मिथाइल ग्रुप यू आर गेटिंग इथेन, दैट इज डबल नंबर ऑफ कार्बन यू आर गेटिंग। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द मिथाइल क्लोरोमीथेन टू इथेन, तो आपको कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, वुड्स रिएक्शन का यूज करना है। वुड्स रिएक्शन से आप जस्ट डबल नंबर में कार्बन एटम्स के कंपाउंड को बना सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी थी आपके, 12th में भी है, तो दोनों क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बोर्ड में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो यहाँ मैं बता देती हूँ, बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपके पास है सी एच थ्री सी सी एच थ्री और सी एच थ्री सी एल, तो बोर्ड में बेसिकली आता है कि इसकी रिएक्शन आपने एन ए से करा दी तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास सपोज कीजिए टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन है, तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू द, आप इसको चेंज करोगे किसमें, देखिए इससे बनेगा कंपाउंड ये मैं बता देती हूँ और फिर इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसका क्या नाम बनेगा, टू टू थ्री थ्री टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, टू टू थ्री थ्री टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो हाउ यू विल कन्वर्ट दिस कंपाउंड टू दिस वन, only there is a way to use the Wood's reaction to prepare this compound from this, right? So you have to take two atoms of sodium
in presence of dry ether, then you will get the same. How? Here would be the two molecule of this, and when 2NaCl will get released from here, यहाँ पर बन जाएगा 2NaCl, आप ऐसे माइनस करके दिखा सकते हो. तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ बना कैसे. CH3CCH3CH3, देखिए ये यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप बचा, लेकिन इसके दो बच्चे हैं, दो ग्रुप्स ये हमारे पास रह गए जब Cl यहाँ से निकल गया. तो एक हमने रखा और दूसरे को हमने इसके साथ ऐसे अटैच कर दिया. तो सेम मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा ये. तो मेन ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका नाम होगा 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन. तो आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड से आपको कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, जस्ट डबल कार्बन वाला. यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कार्बन एक्स्ट्रा इसमें आकर के ऐड हो गए हैं. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर जो आपके पास कंपाउंड है उससे जस्ट डबल कार्बन वाला कंपाउंड आपको मिल रहा है, लेकिन किस रिएक्शन का यूज करके, वुड्स रिएक्शन का यूज करके. तो जब आप कन्वर्जन आप करेंगे तो वहां पर, क्योंकि दो चैप्टर्स आपके टर्म टू में भी आएंगे और टर्म टू में जो दो चैप्टर आने हैं वो थियोरेटिकल बेस्ड होंगे, वहां पर इन सारी रिएक्शन का अगेन एप्लीकेशन होगा. तो ये मत समझिए टर्म वन में इसको पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, टर्म टू की रिएक्शंस करने के लिए भी ये चैप्टर्स आपको देखने होंगे. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हुआ वुड्स रिएक्शन. इसके बाद आता है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन. देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिफ्थ नंबर पे हम आ जाते हैं. वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन पे लगा है कोई एक्स ग्रुप और ये सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है और आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड भी है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी. और कैसे होगी, यहां से एक्स और यहां का एस एक्स ये आपस में मिल जाएंगे, तो यहां पर 2Na का रिक्वायरमेंट होगा और 2NaX पहले आपका बन जाएगा. अब क्या बचा, यहां R बचा और यहां की ये वैलेंसी फ्री हो गई, यानी फिनाइल ग्रुप बचा आपके पास, तो ये बन जाएगा ये. तो ये क्या हुआ, एल्काइल बेंजीन, ठीक है. अब इसका एग्जांपल अगर हम लें, सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है, सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है ये, और यहां पर आपके पास है CH3Cl, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, Cl यहां से और ये Cl यहां से और ये सारा कुछ आपस में मिलकर के 2NaCl बना देगा. और अब ये CH3 ग्रुप बेंजीन पर आ जाएगा, तो ये क्या बना आपके पास, टोलुइन. ये क्या बना, टोलुइन बन गया है. तो देखिए हाउ यू विल कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन, यू कैन यूज दिस रिएक्शन. कौन सी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन. अगर आपको याद है तो आपको समझ आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम मिथाइल क्लोराइड से सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दे, देन यू विल गेट टोलुइन, राइट. तो इस तरह से वुड्स फिटिंग रिएक्शन का यूज करना है आपको. इसके बाद आप पढ़ेंगे फिटिंग रिएक्शन, केवल फिटिंग रिएक्शन है आपके सिलेबस में, ये फिटिंग रिएक्शन है सिक्स नंबर पर. और फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा कि आपको दो मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ क्लोरोबेंजीन के ही लेने हैं और यहां पर 2Na की प्रेजेंस में, और यहां एल्काइल हैलाइड ना लेकर के सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लेने और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना है. तो ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ मिलकर बनाएगा 2NaCl प्लस. अब टू फिनाइल ग्रुप जो आपके बचे वो फिनाइल एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाते हैं और ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, डाइफिनाइल. कितने फिनाइल ग्रुप बचे, टू, तो टू फिनाइल आपस में जुड़कर क्या बना गए, टू फिनाइल मींस डाइफिनाइल. दो फिनाइल जब आपस में जुड़ेंगे तो बना देंगे डाइफिनाइल. तो फिटिंग रिएक्शन का यूज आपको कैसे करना है, आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल. बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बनाइए और क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल फिटिंग रिएक्शन का यूज करके बना लीजिए. तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये सोचना होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ द नेम रिएक्शंस आपको यूज करना होगा कहां पर, जब आप कन्वर्जन करेंगे. लास्ट बचती है हमारे पास सेवेंथ नंबर की रिएक्शन है, दैट इज फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन को समझने के लिए हमें फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन है
रिएक्शन। अब इसमें समझने की चीज क्या है, एक्चुअली फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जब होती है तो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो पर अटैच होता है, एक पैरा पर। अब आपको समझना ये है, क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगा। इसके लिए हमें समझना होगा, सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अब इस क्लोरीन के पास यहां पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस तरफ इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और सीएल पर यहां पर एक लोन पेयर खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में आ गया तो इट विल फुलफिल पॉजिटिव साइन, और जब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए यहां जब डबल बॉन्ड आएगा तो कंटिन्यूस दो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं रह सकता है, तो ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होकर के यहां माइनस का साइन आ जाएगा और यहां पर रह जाएंगे ये दो डबल बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात, मैंने क्या बताया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहां बना तो दो लगातार कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं रह सकता है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। अब ये माइनस का चार्ज यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रेक होकर के यहां माइनस का चार्ज लाएगा, तो यहां पर पोजिशन ये हो जाएगी कि यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये ब्रेक होकर के माइनस का चार्ज और ये और यहां पर डबल बॉन्ड सीएल और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रेक होकर के यहां माइनस का साइन लाएगा, तो इसके बाद हो जाएगी पोजिशन ये, यहां बॉन्ड बना, यहां माइनस का चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड सीएल और इस पे प्लस का चार्ज। अब देखिए ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड बनेगा फिर यहां डबल बॉन्ड नहीं रह पाएगा, ये तुरंत यहां पर ब्रेक होकर के वापस इलेक्ट्रॉन सीएल पर चले जाएंगे, तो अब लास्ट पोजीशन ये बनेगी कि यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड होते ही सीएल पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये पोजीशन आ जाएगी। तो फर्स्ट और लास्ट, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट और फिफ्थ जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम है और ये तीन स्ट्रक्चर्स में लगातार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि फर्स्ट और फिफ्थ में चेंज क्या हुआ, जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ गया है, देख सकते हैं आप, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ गया है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड की पोजिशन चेंज हो गई है, राइट। एक तो ये चेंज हुआ है, दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जहां पर नेगेटिव चार्ज आया है उस पोजीशन पे, देखिए जिस पर भी कोई ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो से नेक्स्ट मेटा, मेटा से नेक्स्ट पैरा, ये बेंजीन में पोजीशन होती है। मतलब कि अगर यहां पर सीएल लगा है तो देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, इसी तरह से ये ऑर्थो है और ये मेटा है और ये पैरा है, तो इधर से ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से ऑर्थो मेटा पैरा। अब बात आती है कि जब भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, अगर ऊपर क्लोरीन लगा है, बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन अटैच है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्स टू मैक्स किस पे है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या फिर पैरा पे है, तो आपको सिर्फ ये दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि बेंजीन की या तो ऑर्थो पोजीशन पे आने वाला ग्रुप अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इस पे बेस्ड हम समझेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को। आप देखिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको मैं इस तरह से समझाऊंगी, आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। सपोज कीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अब इसकी रिएक्शन आपको करानी होगी CH3Cl से और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये देखिए इसका जो रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3, ऑलवेज ये होगा लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन तो यहां पर है ही, अब यहां पे ऑर्थो पोजीशन का एक एच हटेगा और CH3 यहां पर आ जाएगा, तो यहां CH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन यहां होने के ये चांसेस रहेंगे कि क्लोरीन यहां पर है और पैरा पे CH3 अटैच होगा, तो ये भी बनेगा कुछ ये बनेगा, लेकिन पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं और ये माइनर जो प्रोडक्ट बनेगा माइनर बनेगा, ठीक है। तो माइनर होगा ऑर्थो पर और पैरा होगा, अगर पैरा पे हमें मिल रहा है तो मेजर प्रोडक्ट होगा, एक तो ये चीज समझनी है आपको। और ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैच हुआ, मेटा पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्लोरीन के साथ
जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे होती है, इसलिए ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट्स ही आपको मिलेंगे। तो एक तो ये फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन हुई, दूसरा इसे हम कहते हैं एल्काइलेशन। दूसरा अगर आप एसिटिल क्लोराइड से करा दें, अगर CH3COCl के साथ सेम टर्म एंड कंडीशन में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आप कराएं, तो क्या होगा, अब CH3CO ग्रुप यहां अटैच करेगा, तो यहां आ जाएगा Cl और COCH3 प्लस पैरा पे जाएगा, तो पैरा पे जाकर के क्या बनेगा, COCH3। तो ये आपको ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर हम इनका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, क्लोरो बेंजीन या मिथाइल बेंजीन। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्लोरो पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, टू क्लोरो टोलुएन, सीधा टू क्लोरो टोलुएन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे, 4-chloro-toluene, क्योंकि अगर बेंजीन पे CH3 लगा है तो उसे टोलुइन कहते हैं, तो टोलुइन अगर यहां पर है तो ये किस पे, 1-2-2-chloro-toluene, और ये क्या हो जाएगा, 4-chloro-toluene। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर, तो फिर इसको प्रियोरिटी देंगे। अब यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-chloro-acetophenone, और यहां पे क्या हो जाएगा, 4-chloro-acetophenone। तो इस तरीके से फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में और एसिटिल हैलाइड की प्रेजेंस में। तो इस तरह से हमने ये सारा पढ़ा आज, जो हमने स्टडी किया है, दैट इज नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। होप कि आप सबकी समझ में ये सारी नेम रिएक्शन आई होंगी, आप इनको बार बार पढ़िए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएं। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगता है, आप क्या, आपको समझ में कितना आ रहा है बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।